डाली। आपका चिकन 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 इतना हो गया है, इरिटेटिंग। शुक्रवार का बार में फन होगा नॉन स्टॉप, जब चांदी और सनी होंगे साथ। चार बैग थे मेरे, मेरे चारों बैग गायब हो गए हैं वैनिटी से। सिलेंडर करती हूँ। पता नहीं आप किस लोगों के साथ उठती बैठती हैं, जो कि आपके कपड़े चुरा लेते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है अर्चना। वीकेंड के वार की ऑल अपडेट्स मैंने दिए हैं टुडे एपिसोड की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, एडजस्ट कर लेना। बात कर लेते हैं वीकेंड के वार की। आप लोग को सलमान खान दिखेंगे अर्चना को डांटते हुए। वो बिग बॉस पे एक आरोप लगाती कि उनके बैग गायब हो चुके। वो एपिसोड आने के बाद पता चलेगा अर्चना क्या होता है, एंड अर्चना को दंड भी मिलता है। तुमने उनके मुंह पे देखा होगा क्या लगा था। एंड बात कर लेते शालीन की। शालीन चिकन चिकन हर बार कैमरे में करा करते, तो उनको भी एक दंड मिलता है बहुत ही खतरनाक। हुआ बिग बॉस का एपिसोड आने के बाद पता चलेगा। एंड सलमान खान अर्चना एंड शालीन को बहुत सारी डांट लगाते हुए दिखे हैं आपको। अर्चना को तो काफी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उनको बिग बॉस को धमकी दिया एंड उन्होंने बिग बॉस पे इल्जाम भी लगाया। वो एपिसोड आने के बाद पता चलेगा। बात कर लेते टुडे एपिसोड के बारे में। टुडे एपिसोड की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोग से बोला था एमसी स्टैन कैप्टन बन सकते थे, बट उन्होंने खुद ही मना कर दिया सब लोगों से, मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। इसलिए अब्दू को कैप्टन बना दिया जाता है। टुडे एपिसोड में आप लोगों को क्लिप दिखाता हूं। एंड एमसी स्टैन ने किस लिए मना करा था, एंड शायद मुझे नहीं लगता एमसी स्टैन ने मना करा, बट आप लोग वाली क्लिप देखो। जो बोलते हैं उनको सबको मालूम करते बहुत सारे लोग शिव को हेट दे रहे थे, मैं देख रहा था, बट उनकी कोई गलती नहीं। एमसी स्टैन खुद एग्री करते हैं कि अब्दू को कैप्टन बनना चाहिए। निमरीत बोलती है वो फेयर प्ले करेगा, ना उधर का खेलेगा ना इधर खेलेगा, मीडियम रखेगा। एंड ये बात सही भी है, तुमको पता होगा अब्दू एकदम करेक्ट इंसान है। बट ये तो देखने के बाद पता चलेगा अब्दू की बात कौन मानता है एंड अब्दू कैसा प्ले करता है कैप्टन बनने का। बट कमेंट में जरूर बताना आप लोग हैप्पी हो या नहीं अब्दू कैप्टन बनाए। एंड टुडे एपिसोड में काफी खतरनाक गाली गलौज हाथापाई वाली फाइट हो जाती है अपने गौतम एंड शालीन में। लोगों में काफी खतरनाक फाइट हो जाती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में तुमको पता चला होगा क्या सीन हुआ था, तो वही को लेके आज के एपिसोड में भी इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट होती है। एंड गौतम जरा सा ही मुंह नहीं लगाते शालीन को, बट शालीन उनसे सॉरी बोलने जाता है या लाइक बात करने जाता है, बट गौतम शालीन से बात नहीं करते। टुडे एपिसोड में आपको गौतम की फाइट एंड यही कैप्टनसी का टास्क देखने को मिलेगा, बट जो पूरा कैप्टनसी का टास्क है वो आपको कल देखने के लिए, क्योंकि आधे कैप्टनसी के टास्क पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मैंने लाइव देख रखा है अब्दू कैप्टन बन चुका है, इसलिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, करंटली के कैप्टन अब्दू है। लेकिन गाइस एज अ व्यूअर्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। दिस टाइम गौरी नागौरी साइसर एंड शिव की दोस्ती बहुत जल्द टूट सकती है। उसका रीजन ये आज टुडे एपिसोड में देखने के लिए गौरी नागौरी वहाँ पे खड़ी होती, वो एक काम करने के लिए मना कर देती, बट साई सर गुस्सा हो जाते हैं, बोलती मुझसे क्यों एटीट्यूड दिखा रही है, एंड वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जहाँ तक मुझे देख के पता चला। एंड एमसी स्टैन गौरी नागौरी को बुलाते हैं, वो बोलते हैं सॉरी बोल दो, तो गौरी नागौरी सॉरी बोल देते। लेकिन साई सर शिव से ये बोलते रहते, गौरी नागौरी ने एमसी स्टैन को सिखा दिया एंड वो हम लोग से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा करके साई सर शिव से बोलते रहते हैं। एंड शिव को भी पता चल गया है एमसी स्टैन अभी मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, तो बहुत जल्द इन लोगों में दोस्ती टूट सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एपिसोड देख के ये पता लग रहा है। अपना राय जरूर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा शुरू के 100 फॉलोअर्स को बिल्कुल फ्री में एक लोग को 500 रुपीज़ मिलेंगे, जिसका रिजल्ट 8 दिन में निकलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय। अपने ख्याल रखो, पीस आउट। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में।